ओम शांति। आज है 14 मई 2021। मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। प्रश्न: कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर: निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे मात पिता बंधु सखा बनते हैं? यह गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो देवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पार लौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। वरदान: अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। पहला, रूहानियत, दूसरा, रुहाब और तीसरा, रहम दिल का गुण। जब यह 3 बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे व कर्म में दिखाई दें, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन: श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। ओम शांति।